नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हरियाणा की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर इस वक्त की चंडीगढ़ से, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जताई खुशी। बड़ी खबर, अहम जानकारी, सीए के नोटिफिकेशन पर जताए खुशी। पीएम मोदी और केंद्र सरकार का जताया आभार, ऐतिहासिक फैसले के लिए जताया आभार। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। गैर मुस्लिम प्रवासियों के जीवन को सम्मानजनक बनाया। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं चंडीगढ़ से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सीए के नोटिफिकेशन पर जताई खुशी। पीएम मोदी और केंद्र सरकार का जताया आभार, ऐतिहासिक फैसले के लिए जताया आभार। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं चंडीगढ़ से। सीएम मनोहर लाल ने सीए के नोटिफिकेशन पर जताई खुशी। पीएम मोदी और केंद्र सरकार का जताया आभार, ऐतिहासिक फैसले के लिए जताया आभार। बड़ी खबर, अहम जानकारी चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सीए के नोटिफिकेशन पर जताई खुशी। पीएम मोदी और केंद्र सरकार का जताया आभार, ऐतिहासिक फैसले के लिए जताया आभार। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं चंडीगढ़ से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सीएए के नोटिफिकेशन पर जताई खुशी। पीएम मोदी और केंद्र सरकार का जताया आभार, ऐतिहासिक फैसले के लिए जताया आभार। बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सीए के नोटिफिकेशन पर खुशी जताई है और पीएम मोदी और केंद्र सरकार का बढ़ते अगली खबर की ओर। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पीएम मोदी के साथ हमारे पुराने संबंध है, हम सब इकट्ठे काम किया करते थे, संघ के प्रचारक के नाते दोनों के साथ काम किया। दोनों के बता दें कि एक साथ पंचकुला में हेडक्वार्टर में काम किया और उनकी बातों से हम प्रेरणा लेते हैं। बृजेंद्र सिंह ने कांग्रेस ज्वाइन करने पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कोई आएगा कोई जाएगा, ये सिलसिला तो चलेगा। उनका स्थायी विषय रहा नहीं और अपने तरीके की बातें करते रहते हैं, जिस पर व्यक्ति को कोई पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए वो पार्टी के विचार समझकर आना चाहिए और बिना समझे आए और चले गए कोई बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी का परिवार निरंतर बढ़ रहा है और स्वाभाविक है कि जैसे देश के अंदर एक वातावरण बना है, हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार फिर से लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करके और एक बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के सांसद बनेंगे और उसमें हरियाणा का हमारा योगदान पहले से ही शत प्रतिशत योगदान है, उसी शत प्रतिशत योगदान को ज्यादा मार्जिन से और ये सीटें जीत करके हम उनकी झोली में डालेंगे। और इस बात को देखते हुए जो भी लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे खास करके आज हमारे पूर्व मंत्री सीपीएस जिलाराम शर्मा जी जो असंध से विधायक पहले बने थे, आज उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री द्वारा सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून लागू किया गया और लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार द्वारा ये बड़ा कदम उठाया गया। केंद्र सरकार के इस फैसले से बांग्लादेशी हिंदुओं में खुशी की लहर है, क्योंकि अब बांग्लादेशियों को एक पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा और उन्हें हिंदुस्तान की नागरिकता मिल जाएगी। वहीं अम्बाला में हमने ऐसे ही बंगाल में आकर अम्बाला में काम कर रहे कुछ लोगों से बातचीत की तो उन्होंने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया और इस पर अपनी खुशी जताई। मेरा नाम राजू है। जो मोदी जी ने आज का सुनाया, जो लागू किया है, वो सबके लिए बहुत अच्छा है। बांग्लादेशी के लिए, बांग्लादेश में जो हमारा कलकत्ता में बंगाली भी है, सबके लिए अच्छा किया है। मोदी जी को संयुक्त तरह से धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत अच्छा काम किया है। जी, मेरा नाम सिद्धार्थ नायक है और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बांग्लादेशी लोगों के लिए मतलब जो भी फैसला कर रहे हैं, जो सीए कानून कर रहे हैं, वो बहुत ही लाभदायक है और उनको पक्का एक किस्म के मतलब हमारी नागरिकता मिल रहा है इस देश के लिए, और ये सबके हित में है और हम इसको
सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आज ये कानून लागू किया है, ये बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए बहुत बढ़िया एक तोहफा है, ठीक है, बांग्लादेशी बहुत खुश है। नू नगर परिषद में विकास कार्यों के पेमेंट अप्रूवल कमेटी नहीं होने की वजह से शहर का विकास कार्य रुका हुआ था, जिसकी वजह से शहर में विकास नहीं हो पा रहा और जिसकी शिकायत ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में बता दें कि लिया गया था और जिस पर ग्रीवेंस कमेटी नू के चेयरमैन देवेंद्र सिंह बबली ने नू नगर परिषद चेयरमैन व नगर परिषद के अधिकारियों को जमकर लताड़ भी लगाई थी। इसके बाद आज नू नगर परिषद के विकास कार्यों की कमेटी का चुनाव हुआ था और साथ ही नगर परिषद में 13 पार्षद हैं और एक चेयरमैन। वहीं नवयुक्त प्रधान वार्ड नंबर 4 सलीम ने कहा कि शहर के सभी 13 वार्डो में एक समान विकास कार्य कराए जाएंगे और किसी भी वार्ड में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। चुनाव हमारे पास एक अब सरकार के जो प्रोसेस था कि अप्रूवल कमेटी बनाई जाए, शहर का विकास तब होगा, तो आज हमने वो सरकार की कई बार डीसी ने मुलाकात, डीसी ने भी बोला था और देवेंद्र बबली अभी ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग हुई थी उसमें बोला था, तो आज हमने वो भी कोई अप्रूवल कमेटी बना दी है और सलीम भाई को उसमें हमने विजय बनाया तो वार्ड नंबर। कितनी वोटिंग हुई, किस तरीके से वोटिंग? हम जो 14 वोटिंग हुई थी, क्योंकि वार्ड तो 13 हैं और हमारे चेयरमैन हैं जो नगर परिषद के संजय मनोचा जी, उसके साथ 14 हैं टोटल वोटिंग में, तो टोटल में सलीम भाई को वार्ड नंबर 4 से जो पार्षद हैं उसको वोटिंग हुई हैं 8 और बाकी सद्दाम भाई थे दूसरे तो उनको हुई है 6 जी। मैं तो यही कहूंगा भाई, मैं सबसे पहले तो अपने मेंबर पार्षदों का जो भी मान सम्मान में उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ और जीतने की सभी को अपने कमेटी ब्रांच सभी कर्मचारियों को बधाई देता हूँ। और मैं अपने पूरे, मतलब ये नहीं है कि मैं किसी के साथ मेंबर की वजह से किसी वार्ड काम नहीं होगा, पूरे 13 वार्डों का पूरा काम होगा, सभी का बराबर काम होगा, एक दूसरे को कमी नहीं आने देंगे हम जी। चेयरमैन बहुत अच्छे इंसान है और वो काम करने की इच्छुक है, वो काम करके दिखाएंगे और मैं उनको बहुत दिल से और कमेटी सभी का। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने सोमवार को हिसार के अग्रोहा पुरातात्विक स्थल पर ग्राउंड पेनिट्रेनिंग रडार जीआरपी सर्वेक्षण कार्य का शुभारंभ किया। हाल ही में अग्रोहा पुरातात्विक स्थल को विकसित करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और हरियाणा पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के बीच समझौता हुआ था और जिसके बाद अब सर्वेक्षण कार्य आरंभ कर दिया गया है। सर्वेक्षण पूरा होने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी और अग्रोहा पुरातात्विक स्थल पर आखिरी बार साल 1978 से 1981 के बीच में उत्खनन का कार्य किया गया था। अभी तक यहां हुए अध्ययन में अग्रोहा पुरातात्विक स्थल पर टीले के नीचे प्राचीन सभ्यता के होने के प्रमाण मिले हैं। देखिए, आज महाराजा अग्रसेन जी की राजधानी अग्रोहा में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से इस अग्रोहा धाम में टीले की खुदाई का कार्य, उसका जीपीआरएस सर्वे आज उसकी शुरुआत होने जा रही है। ये बहुत पुरानी एक मांग महाराजा अग्रसेन जी के अनुयायियों की, महाराजा अग्रसेन जिन्होंने देश को समाजवाद का संदेश लगभग 5000 वर्ष पहले दिया था। पहला और बड़ा इम्पोर्टेंट, जैसे ही हमने इस विचार को माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखा, उन्होंने तुरंत एक कमेटी बनाई और उसका नाम दिया अग्रोहा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और उसके चेयरमैन हमारे स्पीकर साहब, मुझे और जो आर्कियोलॉजी के मिनिस्टर हैं उनको को चेयरमैन बनाया और जो आर्कियोलॉजी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं सिन्हा साहब, यहाँ के डिप्टी कमिश्नर, ऐसे अनेक लोगों को, और इसमें कुछ लोग मेंबर्स भी बने हैं, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स भी बने हैं, ऑफिशियल मेंबर्स भी बने हैं। तो मांग रखी, विचार आया, मांग भी पूरी तरह से नहीं रखी, विचार आया, उन्होंने स्वीकार किया
और हमने उनको कहा कि इसमें सरकार का पैसा नहीं लगेगा, सरकार ने केवल एक योजना बनानी है, उसके बाद तो लैंड हमने जो यहाँ इन्वेस्ट करेगा वो खरीदेगा, वो अपना प्रोजेक्ट लगाएगा। तो सरकार ने तो केवल स्थान उपलब्ध करवाना है, वो भी पेमेंट पर। पिछले सप्ताह मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऑनलाइन के माध्यम से कोसली के विधायक की गरिमामय उपस्थिति में कोसली बस अड्डे पर बनी कार्यशाला का उद्घाटन किया, जिसमें कार्यशाला का नाम शहीद सत्यप्रकाश कार्यशाला भाखली कर दिया। और जबकि ये कार्यशाला कोसली बस अड्डे के अधीन आती है और नामकरण को लेकर उपजे इस विवाद के कारण कोसली के ग्रामवासियों ने हजारों की संख्या में कोसली के एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया और सभी ग्रामीणों ने इस कार्य के लिए जिला प्रशासन और कोसली के जनप्रतिनिधियों पर विरोध जताया और कहा कि जब सरकार और यहां के जनप्रतिनिधियों को पता है कि कोसली व पाखली गांव का नामकरण को लेकर आपसी विवाद है, 2014 में दोनों गांवों में खूनी संघर्ष हुआ था जिसमें कोसली गांव के एक व्यक्ति की जान चली गई थी, जिसमें ग्रामीणों को जेल तक जाना पड़ा था। देखिए, ये हर बार चुनाव के समय आता है, दो गांवों को आपसी मतभेद के कारण ये लड़ाने की प्रयास करते हैं ताकि आपस में बढ़ता रहे। कोसली गांव इसी तरह पिछली बार भी अपनी वोटों से वंचित हो गया था, एक बार एमपी पीछे जो कांग्रेस की सरकार थी उसमें भी हो गया था। हम ये चाहते हैं कि बार बार कोसली के साथ ऐसा अन्याय न हो, ये चुनाव को अलग रखा जाए और इस नामकरण का स्थायी समाधान हो ताकि भविष्य में इस तरह की कोई कार्रवाई न हो। और इसके लिए जिला प्रशासन को भी आगे आना होगा कि भविष्य में कोसली और भाखली के बीच में इस तरह का है, उस वर्कशॉप के अंदर शहीद सत्यप्रकाश भाखली कर दिया गया, लोगों को बहका करके उनको साथ लिया कि आपका नाम कर देंगे, फिर उनकी बेइज्जती करते हैं, हमारे सम्मान को ठेस। बड़े अच्छे ढंग से डील किया हमारे सेक्रेटरी साहब ने बताया, और आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, एक रिपोर्ट दे देते हैं। क्या ये उद्देश्य था ज्ञापन देने का? सरकार ने एमपी एमएलए बुला करके गलत उद्घाटन कर दिया, परियोजना कोसली के नाम से है। इस तरह से ये लगातार 3-4 बार कर चुके हैं, पहले कांग्रेस ने किया, वो आज घर बैठे हैं। हमने बायकॉट किया और इसी तरह आने वाले टाइम में भाखली भी बायकॉट कर देगा। किस चीज का नामकरण था ये आपका जो है किसान भवन में, किसान पहले किसान भवन का था। फरीदाबाद के सेक्टर 78 में बनाए जा रहे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के मामले की शिकायत मुख्यमंत्री मनोहर लाल से की गई। वहीं बता दें कि इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के मामले को लेकर फरीदाबाद के सिविल कोर्ट के सीनियर वकील ने इसकी शिकायत हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से की थी। वकील जयप्रकाश भाटी ने कहा कि जिस इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर को फरीदाबाद में हुड्डा विभाग की तरफ से बनाया जा रहा है, इस कन्वेंशन सेंटर का काम सिविल इंजीनियर की वजह से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर किया जा रहा है, और जबकि ये बिल्कुल नियमों के विरुद्ध है। वहीं सीनियर वकील जयप्रकाश भाटी ने इस पूरे मामले में अधिकारियों की मिलीभगत बताई थी। मेरा नाम जयप्रकाश भाटी एडवोकेट है और मैं समाज से रिलेटेड ये आवाज इसलिए उठाई है कि ये जो अमाउंट इन क्वेश्चन 425 करोड़ रुपए का आम जनता का पैसा जो बर्बाद होने की राह पर जा रहा है, जिसके लिए मिस्टर टीएल सत्यप्रकाश सीनियर आईएएस ऑफिसर जो है उन्होंने ये सैंक्शन सारे किए हैं और गलत ऑफिसर को डिप्यूट किया है, तो उसके लिए मैंने ये विरोध किया है कि ये जो हमारे एक्ट बने हुए हैं जिसके ऊपर गजट नोटिफिकेशन है उसकी अवहेलना ना की जाए और जो बायलॉज बने हैं उसके अनुसार ही काम किया जाए। गलत अधिकारी कैसे डिप्यूट किया गया है? गलत अधिकारी इस तरह है कि एक इलेक्ट्रिकल डिवीजन के ऑफिसर को सिविल का चार्ज नहीं दिया जा सकता। साहब, फरीदाबाद में एक इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बन रहा है जो हरियाणा सरकार के देने करीब 425 करोड़ की लागत है, पर हैरानी की बात यह है उसमें शिकायत लग चुकी है कि जिस इलेक्ट्रिकल जो एसएम को चार्ज दिया गया है वो इलेक्ट्रिकल है, जबकि सिविल का इंजीनियर फरीदाबाद में बहुत है, उसके बावजूद भी इलेक्ट्रिकल को दिया गया। मैंने उस काम को भी रोका है, जो इसका समाधान हो जाएगा उसको आगे बढ़ाएंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां एक तरफ द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर रहे हैं, वहीं दूसरे और देश के सबसे पिछड़े हुए जिले मेवात के नेशनल हाईवे नंबर 248A के हालत खस्ता है और इसी को लेकर विधायक आफताब अहमद ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। आफताब अहमद ने कहा कि सड़क का निर्माण कांग्रेस के कार्यकाल के समय हुआ था, भले ही देश के पीएम मोदी द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर रहे हैं और इसे सड़क के सैकड़ों गाड़ियां उनकी रैली के लिए भी जा रही है और इसे नेशनल हाईवे की ये दुर्दशा दिखाई नहीं देती। और उन्होंने कहा कि कई बार सड़क का मुद्दा विधानसभा में भी उठा है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का कोई काम इस सड़क को लेकर नहीं किया गया। मैं यही कहूंगा कि इससे बड़ा उदाहरण भारतीय जनता पार्टी की नीयत का और नीति का हो नहीं सकता। उसी लोकसभा क्षेत्र में आज प्रधानमंत्री आ रहे हैं गुरुग्राम लोकसभा में, और उसी लोकसभा क्षेत्र में ये सड़क जो आप देख सकते हो ये है, और इसमें अभी दो दिन पहले मुख्यमंत्री स्वयं इस सड़क से निकल के गए हैं। चार बार मुख्यमंत्री और भी पहली एक 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 दो साल के अंदर अंदर इस सड़क पर निकल के गए, और हमने 2014 में 248A मोहम्मद सलीम गांव देहाना पड़ा जो रोड है, हाँ, कैसी हालत है रोड को लेकर? इसकी बहुत ही खराब हालत है और आए दिन ही हादसा होता है, कई बार ऐसे होते हैं ट्रैफिक जाती है और यहाँ खड्डा पलट जाती है, ट्रैक्टर भारी पाता है तूड़ों को, या वैसे अब सीजन भी आ रहा है, तुरंत यहाँ पलटने के कारण नूह तक जाम लग जाता है, काफी आदमियों के लिए दिक्कत होती है, इसलिए रोड बना जाए। और काफी दिनों से बेकारी सरकार 2014 में आई थी सरकार, उसी दिन से लगातार इस रोड की मांग उठ रही है, अभी तक बना ना पाया। अब इलेक्शन के उस पर टाइम पे अब घोषणा करें कि बन रहा है बन रहा है बन रहा है, अभी तक कोई इसका काम चालू नहीं हुआ। आपका? मेरा नाम सौरभ है, एक सरपंच सौरभ बारो। आपके गांव की जो सड़क है कैसी हालत है, क्या कहना? इसकी हालत ये हो रही है कि हमारा बच्चा ढोर बछरू जितना भी परेशान आ जाए, दो तीन साल चार साल हो गए इसे ऐसे ही परेशानियों को होते हुए। हमने तो आज MLA को फोन करा है कि भाई यहाँ पे कम से कम पानी तो छिड़कवा दो, नहीं आज प्रधानमंत्री की अगर रैली नहीं होती तो हम पूरा गांव इसी यहाँ पे आज धरना देता, और हमारी पूरा नहीं है कि हम इतना परेशान है, या सुधी गांव उठा दिया जाए ही तू भाई, इनकी बस की बात नहीं है, या नेशनल बना हुआ ना बना हुआ ये तो इनकी अलग बात है, कम से कम यहाँ ऐसे तो बना दे, हम जो यहाँ पे निकल रहे बढ़ रहे जो ये गर्द गुब्बारी गाँव बसो रहे। अम्बाला नगर निगम की बजट की मीटिंग में 1.44 अरब रुपए का बजट पास किया गया और मीटिंग मेयर शक्ति रानी शर्मा की अध्यक्षता में हुई। मीटिंग की शुरुआत से ही पार्षदों ने नगर निगम के अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और उसके बाद पार्षद खुद आपस में भिड़ गए। हालांकि लगभग 3 घंटे तक चली मीटिंग के दौरान हंगामे में बजट को पास किया गया। बजट मीटिंग के दौरान बीजेपी और कांग्रेस के पार्षद आपस में भिड़ने लगे और इस दौरान मेयर ने कहा कि कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है, ये हाउस की मीटिंग है। और उसके बाद डिप्टी मेयर राजेश महतो ने पार्षद हितेश जैन आपस में भिड़ गए और एक दूसरे को उन्होंने जुबान संभालकर बात करने की नसीहत दे डाली। बजट में काफी कमियां थी जिसको रेक्टिफाई कर दिया गया, ठीक करवा के बजट को पास कर दिया गया है। बहुत से मुद्दे उठाए आज मैंने, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का, स्ट्रे डॉग का, अवैध कॉलोनियों का था जिसमें 111 पैचेस थे, अप्रूव्ड कॉलोनियों का मुद्दा था, वो सारे सर्वसम्मति से पास कर दिए गए हैं। और आने वाले समय में दोबारा से इनको बोला गया है कि अपने जो भी पैचेज है, और 62 से 65 कॉलोनियां कर दी गई हैं जो कि अम्बाला सिटी से पास होनी है, वो 65 कॉलोनियां और 111 पैचेज
जिसमें से इन्होंने 65 पैचेस को पास किया है, बाकी इन्होंने रिजेक्ट कर दिए, तो उनको दोबारा हाउस में लाकर सारे पैचेस पास किए जाएंगे, जो कि ओल्ड म्युनिसिपल लिमिट का जितना भी एरिया है वो सारा ही पैचेस बनते हैं, उनको पास करना चाहिए, ना कि किसी प्रॉपर। देखिए, हमारा प्रपोज बजट 144 करोड़ का था और जो इनकम थी, और एक्सपेंडिचर में 164 करोड़ का दिया गया है, और इस बजट में काफी चीजें ऐड भी करी गई हैं जो पहले नहीं होती थी। पेविंग एंड सीसी स्ट्रीट्स के लिए 25 करोड़ रुपए रखा गया है और ड्रेनेज के लिए 5 करोड़ रुपए रखा गया है, और जैसे स्ट्रे एनिमल्स जो थे उनके लिए 18 लाख रुपए रखा गया है, और डोर टू डोर कॉन्ट्रैक्ट के लिए 15 करोड़ 11 लाख रुपए रखा गया है। नाइट स्वीपिंग हम शुरू कर रहे हैं जो 2 करोड़ 57 लैक्स की है। परचेज और सैनिटेशन इक्विपमेंट 1 करोड़। नशे पर नकेल कसने के लिए हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के छापेमारी अभियान चलाया गया, और हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने सिभा के साथ भवानी खेड़ा में भी छापेमारी की, और इंस्पेक्टर वीरेंद्र सिंह ने भिवानी ने कहा कि नशे का व्यापार किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बता दें कि नशे पर नकेल कसने के लिए हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इन दिनों विशेष अभियान चलाया हुआ है, और हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के कर्मचारी विभिन्न स्थानों पर छापेमारी अभियान चलाकर नशीला पदार्थ रखने और बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई में अमल में ला रहे हैं। चाहती है कि हरियाणा जो है वो नशा मुक्त प्रदेश बने, और इसके लिए अब इलेक्शन का समय है, तो ऐसा ना हो कि कोई इलेक्शन में नशे के तौर पर कोई चीज़ यूज करके वोटरों को बदलाने की कोशिश की जाए। तो इसलिए सरकार के निर्देशानुसार और हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ADGP साहब OP सिंह साहब उनके निर्देशन में हम जो प्रशिक्षित लोग हैं हमारे NCB के, उनके थ्रू जो नशे के तस्कर हैं, नशे के अवैध कारोबार में लिप्त हैं। फरीदाबाद में एक तेज रफ्तार दिल्ली नंबर हुडई कार ने, बता दें कि फरीदाबाद के नेशनल हाईवे नंबर 19 स्थित NHPC चौक के पास एक CNG ऑटो को टक्कर मार दी, जिसके चलते ऑटो में आग लग गई और ऑटो चालक जिंदा जल गया। वहीं आनंद फानन में झुलसे हुए ऑटो चालक को बादशाह खान सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं आपको बता दें कि इस मामले में ड्यूटी पर मौजूद आपातकालीन विभाग के डॉक्टर मनीष दयाल ने बताया कि झुलसे हुए ऑटो चालक को पुलिस की टीम बादशाह खान सिविल अस्पताल में लेकर पहुंची थी, जो कि लगभग 90% जला हुआ था, जिसे प्राथमिक उपचार के देने के बाद दिल्ली के सफदर जंग अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया, और झुलसे हुए ऑटो चालक की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। ये क्या था, ये ऑटो था जिसको दूसरी किसी गाड़ी वाले ने टक्कर मारा, और जब हम मौके पर पहुंचे थे तो ऑटो में आग लगी हुई थी और ये फंसे हुए थे। किस वजह से लगी थी कुछ पता था? इनका जो ऑटो वो CNG प्लस था, और पीछे जैसे ही चोट लगी दूसरी गाड़ी से तो इसमें आग लग गई, ये उसी में फंस गए थे, उसी में फंसे हुए थे। फिर जाके हमने निकाला और बंदों ने मदद करी थी जब। और सवारियां? और सवारी नहीं थी उस टाइम, सवारी नहीं थी। कहाँ घटना है ये? NHPC चौकी है। NHPC चौकी इधर से किधर? इधर साइड में जो धर्मकांटे की तरफ है। दिल्ली से आते हुए या? नहीं नहीं, दिल्ली से आते हुए जो इधर की तरफ गया हुआ। अच्छा, NHPC चौकी इधर। हाँ हाँ, इधर साइड। हाँ, आप ERV से हैं? ERV 186 PS मेट्रो से। आपको सूचना मिली तुरंत मौके पहुंच गए, यहाँ लाए हैं? अगले 3 से 4 मिनट में पहुंच चुके थे। जानकारी है जिनसे, ये टेम्पो वाला आ रहा था, और गाड़ी वाला बहुत स्पीड में गया, ठीक है, जो कम से कम 100 पार होगा, और 100 पार टक्कर मारा इसे, इसका सिलेंडर में आग लगी। अच्छा, ये जल इसमें मतलब इतनी आग लगी ध्यान है इसके अंदर कि हमें पता नहीं था इसमें आदमी इसके अंदर है। तो हम 3-4 दोस्त आए, ठीक है, 3-4 दोस्त आए, हमें मालूम चल गाड़ी चल रही है, कोई बात नहीं है इसके अंदर। अब बाद में देखा कि आग डाल के ले गए पुलिस वाले। अच्छा,
मतलब कितना गंभीर जल गया था, गंभीर उसकी टांगे माने अकड़ेगी उसकी, बिल्कुल मतलब कपड़े जल गए, हमने कपड़े फाड़े उसके, कपड़े मांग लगे थे पहले कंबल से मारे, कपड़े फाड़े। अच्छा, फिलहाल इस बुलेटिन में इतनी, ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार।